गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं बना रही हूँ आलू पालक। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आलू पालक। आलू मेथी तो बनाया ग्रेवी में, आलू पालक भी बनाई। आलू पालक बना ही ले। मेरे को अंदर ही हो गई। मैं तन पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी। अरे कमर में दर्द हो गई। ठीक है फिर मैं जाता हूँ। आ गया भी ना। सुबह सुबह ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि आज क्या काम करना है। तो ये आज चोखट वगैरह जो लेके आए थे परसों, वो चोखट इनके अंदर फंसा देंगे। तो उसके लिए मतलब पहले हमने उधर प्लॉट के अंदर चोखटे वगैरह रख रखी है, तो वो चोखट उठा उठा के इधर शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब जितनी भी चोखट आज चढ़ेंगी वो उतनी ये निकाल लेंगे, बाकी उधर ही पड़ी रहने देंगे। एक आदमी उतर गया तू बैठक के बाजू में वो पिलर देख रहे हो ना, वो कल इनको भरना था ये फर्मा लगा के, मगर इन्होंने भरा नहीं क्योंकि जो ठेकेदार की वाइफ है ना उसने मसाला और बनवा दिया था चिनाई के लिए, तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है। ये जो आप देख रहे हो ईंट फेंक के ऐसे कैच कर रहे हैं, तो ऐसे ईंट जो है ना वो अपने आप हाथों में चिपक जाती है, तो आपको कैच करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो ये हमें ना बचपन में ऐसे कैच करके देखते थे काफ़ी ईंट, क्योंकि बीकानेर में जब घर बना था तब भी हमने ऐसे कैच कर करके देखी थी और काफ़ी मेहनत की थी उस टाइम पे। अभी तो ये मजदूरी वाला सिलसिला चल रहा है, नहीं तो उस टाइम पे हम खुद भी करते थे ज़्यादातर काम। सब कुछ गीला गीला। चाय बनाती उनकी। मेरे जूता गंदा हो जाएगा, मैं जूता ना निकालो। तो पायदान तो पूछ लिए होगा सही जा। अरे हमने सोची कि जैसी वा फसाई है सही जा फसा दे भी या करे लो नहीं जाने ना तू पावे सी लगी। आओ आओ चला कोर मोर ना फंगा। अरे नंगा यहां ने चौकड़ पे घुमा है लगने गिरो वालो दो ही को नहीं से जब आ नहीं तो नहीं आ सका। उठाओ चला कोरे के बाहर कर जब ले। अभी देखी कि तो गया भट्टा मारी ना से ये सही से चुप ना दे। रुक जा रुक जा ये भट्टा मार। इंदर 16 उत्ती में 16 17 ये सारे लोग है ना मनोहर को खट्टर बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है ना वो मनोहर लाल खट्टर है, तो इस वजह से इन्होंने इसका नाम निकाल रखा है खट्टर। तो अभी जो है ये चाय पी रहे हैं और उसके साथ में सबने एक एक पार्ले जी का बिस्कुट मंगवा रखा है, तो वो इस चाय के साथ में खा भी रहे हैं। तो ये सुबह कुछ भी नहीं खा के आते इसलिए ये चाय के साथ खा रहे हैं। मोनू जो है ना दोस्तों उसकी सगाई है आज, तो मैं और मेरा भाई गिफ्ट की शॉप पे आए हैं और उसने मतलब कोई गिफ्ट वगैरह लिया नहीं है होने वाली भाभी के लिए, तो हम दोनों डिसाइड कर रहे हैं क्या गिफ्ट लें उसके लिए।
तो ये चांद है और इसके अंदर मतलब एक कपल बैठा हुआ है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मतलब इस टाइप की चीज़ें देते हैं, और हमने मतलब काफ़ी चीज़ें देखी जिसमें ये भी थे, इधर भी ऐसे कपल खड़े थे और मतलब मूर्तियां से थी ये। तो ये मेरे को कुछ खास लग नहीं रही थी, क्योंकि कुछ स्पेशल चीज़ देनी चाहिए। और वो मतलब मोनू को पूछा हमने कि मतलब क्या देना चाहिए, तो उसने हमारे ऊपर ही बात डाल दी कि आप ही देख लो आपको क्या चाहिए। तो इधर काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें ये जो कपल वगैरह के ये जितनी भी थी ये महंगी महंगी थी, ये 950 रुपये की थी, जिसमें ये पेड़ के साथ में खड़े हैं। तो इतनी महंगी भी देनी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से, तो हमने इन सब को तो रिजेक्ट कर दिया। और ये जो आप मूर्ति वगैरह देख रहे हो, ये भी लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसमें महात्मा बुद्ध, कृष्ण जी और इनकी मूर्तियाँ थी, और ये 1100 के समथिंग थी सारी। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना चाहिए। मोनू एकदम है ना शरीफ इंसान है, भोला जिसको बोलते हैं ना, कि उसके सामने आप गालियाँ भी निकालोगे ना तो वो हंसता रहेगा, उसको मतलब किसी भी चीज़ का बुरा नहीं लगता। तो इस टाइप का इंसान है। तो बाद में मेरे को ये दिखाई दिया, ये एक पर्स ही है और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है, तो इसको टेडी के तरीके से भी यूज किया जा सकता है अगर मतलब अपन दें तो। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये पैक करवा लेते हैं, और इसके अंदर मतलब चैन खोल के हमने जो चॉकलेट होती है ना वो पैक करवा दी थी इसके अंदर ढेर सारी, ताकि भाभी जो है वो चॉकलेट भी खा के देखे। अंदर से मतलब चॉकलेट ही है मोनू, और बाहर से ऐसा सॉफ्ट है। तो हमने दूसरे कलर में ये वाला ले लिया और इसके ऊपर लिख दिया योगेंद्र, और मतलब ये ऐसे दिखाई दे कि मतलब कि यही मोनू है। और हमने मोनू को बता भी दिया था कि तू बोल देना कि जो भेजा है आपके पास में वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ, अंदर से एकदम चॉकलेटी और बाहर से एकदम सॉफ्ट। तो ये हमने पैक करवा लिया है, और ये एक टॉफी की शेप में पैक करवा रहे हैं। हाँ, ये टॉफी पर कोई करते हैं ना। हाँ, टॉफी जैसे बना। पर यार रोज इसके अंदर पैक करवा लेते तो खराब हो जाते, इसके अंदर ओरिजिनल खराब हो जाता, रोज अलग से लगा लो, उठे वैसे भी ऊपर लगा लेना, वैसे भी उसको तो हाँ इसके ऊपर ऊपर लग जाओगे ना, ऊपर लग जाओगे, लग जाएगा ऊपर, लगा ऊपर दो गुलाब लगाएगी, एक येलो और एक रेड है, दोनों चिपका दिए, एक वाइट भी लगा दी, तीनों ही होना चाहिए। व्हाइट दिया ग्रीन सबसे पहला तो मैं ना ये सब पैक करवा के हम फूलों की दुकान पे आए। तो हमें मतलब ज़्यादा पता नहीं है, आप बता देना मेरे को कमेंट करके कि फर्स्ट मीटिंग में वाइट फूल देते हैं या फिर येलो वाला देते हैं, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है, किसी को दिया नहीं है। तो ये रेड वाला ही चिपकवा दिया हमने, और एक उसके लिए ले लिया कि वो अगर देना चाहे तो वो भी दे देगा। तो अब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि रात को जब मैंने मोनू से बात की तब तो उसने बोला था कि अच्छा लगा है भाभी को ये गिफ्ट, और मोनू भी नहीं बोल सकता था कि मैं खुद नहीं खरीद के लेके आया, तो वो भी प्रॉब्लम थी। और मोनू ने मतलब देखा भी नहीं था, बाद में मैंने वीडियो भेज के उसको दिखाया कि ये ऐसा है। जो होने वाली भाभी है उसने मोनू को स्मार्ट वॉच गिफ्ट की है, जो कि रियलमी की नई लॉन्च हुई थी थोड़े दिनों पहले, तो अच्छा है, अच्छी लगेगी उसके ऊपर। तो अभी चलते हैं, हमने ये सारी ख़रीदारी कर ली और वो भी मार्केट में आ गया है, तो भाई जाएगा उसके साथ में, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा क्लोज है उसके। वीडियो बना रहा क्या? व्लॉग बना रहा वो 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 उसके अंदर है। फिर एन जान से पकड़ दे पार वीडियो भाई, एकदम जबरदस्त लग रहा है ना ये, तेरे नाम का भाई सेक्सी लग रहा है, छोड़ तो दे, काम फेंकते नहीं है उसको, जबरदस्त चीज है, संभाल के रखिए। सुबह ये कपड़े डिसाइड करके आए थे ये वाले,
जो मोनू ने पहन रखे हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि मोनू कैसा लग रहा है, हमको तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप भी बताना, अपनी राय ज़रूर देना। क्या करो तो पढ़ेंगी तो पढ़ेंगी, तुमने चाल लो है कि नहीं? हाँ तो चाल लो फिर, ये पे अन्न छोड़ो वहाँ चिनारी लगाई से, अन्न छड़ी छुड़िया में लाग गई तो फिर लोग रोड़ा गाल देंगे ना। तो ना कह रो तो मम्मी थम क्यों बालो, अन्न पढ़ी रहना तो बह जाएंगी, पढ़ी रहेंगी थोड़ा दिन और। आए छोड़ उड़ भितर भितर के मी ना आई, मैं सोचू चल रहा कौन नहीं काम करने, तो ये गलियारा की थैली इकट्ठी करके आग लगाने लग गया। गलियारा कौन है इस काटे से बगा ठल्ले मुंडोली भी डक गए। तार अभी ये लोग है ना कोलम वगैरह भर रहे हैं ताकि ये दीवार कंप्लीट हो सके। तो आप मेरे को कमेंट करके ये बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।